इंजीनियर्स माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। ये वीडियो हमारी साइकिक पावर सीरीज से है और हमारा टॉपिक है हाउ टू डू माइंड रीडिंग, किसी के मन की बात को कैसे समझें, कैसे जानें। इससे पहले हम आगे चलें, हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी यहाँ सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब आप अपनी मर्जी से। अब आगे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आपको कोई भी डिटेल जाननी है तो हमारे ऑफिस के नंबर आप नोट कर सकते हैं। दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर है और बाकी इंडिया में अलग अलग जगह पर हमारी फ्रेंचाइजी हैं, लगभग 170 फ्रेंचाइजी हैं, तो इनसे आप कहीं से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेजर प्रोग्राम जो होते हैं वो हमारे दिल्ली सेंटर में ही होते हैं, बाकी जगह पर हम लोग जाते रहते हैं विजिट के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक हाउ टू डू माइंड रीडिंग, किसी के मन की बात को कैसे जानें। इसके साथ एक जुड़ा हुआ टॉपिक जो है वो पहले मैंने कवर किया है, ये सब थर्ड आई के डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं। ये सब चीज़ें हम अपने थर्ड आई की क्लास में बड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं और आपके अंदर ये आपको तरीका बताया जाता है इन चीज़ों को एक्टिवेट करने का, आपके अंदर कुछ पावर्स भी देकर उनको एक्टिवेट किया जाता है। तो इसका लेकिन हर एक जगह पर किसी पावर की ज़रूरत पड़ती है ऐसा नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सबके पास होती हैं, तो ये कैपेबिलिटी भी उन्हीं चीज़ों में से एक है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोगों के मन की बात को हम आसानी से जान जाते हैं जिनके भी हम क्लोज होते हैं। अधिकतर हमारा चेहरा हमारे मन का रिफ्लेक्शन होता है, आईना होता है, हमारी आंखें मन का आईना होती हैं, तो आंखों में झांक कर भी हम उसके मन की बात को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मन की बात के जानने के दो एस्पेक्ट हैं, एक तो है फेस रीडिंग और दूसरा है माइंड रीडिंग। जो फेस रीडिंग वाला पार्ट है ये मैं अपने दूसरे वीडियो में मैं कवर करूंगा कि चेहरा देखकर, आंखें देखकर या जेस्चर देखकर किसी के मन की बात को कैसे समझा जाए। और यहाँ आज का जो टॉपिक है वो माइंड रीडिंग है, विशेष रूप से मन की बात को कैसे जाना जाए ये एनर्जी लेवल पर, साइकिक लेवल पर। इसी का एक पार्ट है ऑरा रीडिंग। ऑरा रीडिंग से आप किसी पर्सन के बारे में ये जजमेंट ले सकते हैं कि इसकी प्रॉब्लम किस जगह पर है। ऑरा सेवन चक्रास पर बेस्ड हमारा ऑरा होता है, हमारा आभा मंडल होता है, इसके बारे में भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं। ऑरा कैसे रीड किया जाता है आंखों से, नेकेड आई से में कैसे हम देख सकते हैं, उसके बारे में भी हमारा एक वीडियो है, तो उसको आप देख सकते हैं। ऑरा नेकेड आई से कैसे देखें, इसके इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, तरीके भी होते हैं इसके ऑरा फोटोग्राफी के, तो वो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो अगर आपको अभी ऑरा रीडिंग खुद की करवानी हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो अभी माइंड रीडिंग का जो टॉपिक है उसको लेकर आगे चलते हैं। इसमें माइंड रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसपे अधिकतर हम सब हर समय इंटरेस्टेड रहते हैं, हमारा दिल करता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट है, उसके साथ हमारी डील हो रही है लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है। कोई पर्सन है जिसके साथ हमारी रिलेशनशिप है लेकिन वहां से प्रॉपर रिप्लाई नहीं आ रहा है कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है। तो एक उत्सुकता बनी रहती है, एक एक्साइटमेंट बनी रहती है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, मुझे कुछ तो पता चले। ये बहुत हद तक टेलीपैथी से भी लिंक्ड है, यानी सामने वाले के मन में आप रीड एक्सेस लेना तो हो गया माइंड रीडिंग, और राइट एक्सेस अगर हमें मिल जाती है यानी तो उसमें हम लिख भी सकते हैं, अपने विचारों को उसके मन में डाल भी सकते हैं, वो भी तरीका होता है, वो टेलीपैथी में है। तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं माइंड रीडिंग की, सामने वाले के मन की बात को कैसे समझें, कैसे पढ़ें, क्या हो रहा है उसके मन में, तो इसके लिए जो स्टडी है थोड़ा उसको समझते हैं। एक तो फेस रीडिंग वाला पार्ट जो मैं अलग कवर करूंगा, यहां जो बात हो रही है वो है किस तरह से उसके मन के अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं उसको आप यहां से समझ पाएं। इसका एक बेसिक जो तरीका है, उससे पहले मैं वहां तक आऊं, मैं एक बार और यहां पर दिखा दूं कि इसके लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं। यहां पर
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में एक एक्सपेरिमेंट ये किया गया है, एक हेड कैप बनाई गई है इस तरह की जैसे आप पिक में देख पा रहे हैं। तो यहाँ लगाकर इलेक्ट्रोड्स लगाकर ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स की एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो जब हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अपने मन में इस बुक के जो शब्द हैं हमारे मन में हम दोहराते हैं और हमारा मन उसके प्रति कुछ रिएक्ट करता है, कुछ अंदर से बोलता है कि ये ठीक लिखा है, ये गलत लिखा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो चल रहा है इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सकता है इस मशीन के द्वारा। इस मशीन को की थोड़ी ट्यूनिंग करनी पड़ती है हर एक यूजर के हिसाब से, क्योंकि हर एक का इलेक्ट्रिकल पैटर्न इतना यूनिक है, इतना डिफरेंट है कि एक पर्सन की ट्यूनिंग दूसरे पर काम नहीं करती। तो इसकी कुछ ट्यूनिंग होती है, कुछ मशीन लर्निंग प्रोसेस होता है, उसके बाद ये चीज काम करती है। मैं आपको सिर्फ इतने बताने के लिए कि साइंस भी इस चीज में कितना इंटरेस्ट दिखा रही है, लोगों के सपने रीड करने की कोशिश की जा रही है कि इस पर्सन ने किस तरह का सपना देखा है, किस कैटेगरी का सपना देखा है और उसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इसकी साइकोलॉजी क्या हो सकती है, इसका मनोविज्ञान कैसा हो सकता है, ये सब जानने के प्रयास चल रहे हैं। तो यहां जो मैं बात कर रहा हूं माइंड रीडिंग की, उसके कुछ बेसिक एसेंशियल बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सबसे बड़ी बात तो है कि जब किसी के मन की बात को हमें पढ़ना है, एक तरीके से हम ये कह रहे हैं कि वो बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, राइट। वो ऊपर से नहीं बोल रहा, मुंह से नहीं बोल रहा, लेकिन मन से कुछ बोल रहा है, उसको आपने सुनना है। तो इसका बेसिक एक फॉर्मूला क्या है, जब आप सामने वाला बोलता है तो आप चुप होते हैं तभी सुनते हैं, या वो भी बोल रहा है तो आप भी उसी टाइम बोल रहे हैं अगर एक साथ, तो किसने क्या बोला कुछ भी समझ में नहीं आता। तो एक बेसिक फॉर्मूला क्या है, जब सामने वाला बोल रहा है तब आप चुप हैं और सुन रहे हैं। इसको मन के लेवल पर बात करें, इसका मतलब है कि जब सामने वाला ने मन में कुछ बोल रहा है तो आपका मन उस समय में शांत हो, आप उस समय बिल्कुल शांत अवस्था में हो, तभी आप सामने वाले के मन की आवाज को सुन पाएंगे, सामने वाले के मन की आवाज को डिकोड कर पाएंगे। अब क्योंकि मन की आवाज इतनी बारीक है, इतनी माइन्यूट है, आपके मन में जब विचार चलते हैं तो आप उनको कितना समझ पाते हैं, कितना पकड़ पाते हैं। आप देखिए, क्या वो सचमुच वो आवाज आपको बाहर सुनाई पड़ती है, आपके अलावा वो किसी और को सुनाई नहीं पड़ती, इतनी साइलेंट आवाज है उन विचारों की जो आपके मन में विचार चल रहे हैं। वो जो साइलेंट आवाज है उसको पकड़ने के लिए आपको भी उतना ही सूक्ष्म, उतना ही बारीक होना पड़ेगा, उतना ही साइलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी जो इंपल्स है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो इतनी बारीक है, इतनी माइन्यूट है। जब तक आप उस लेवल पर बारीक या माइन्यूट नहीं होंगे आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। आप ये बताएं, अपने मन के विचारों को हम कितना पकड़ पाते हैं? किसी और के मन के विचारों को पढ़ने से पहले अपने मन के विचारों को हम कितना पढ़ पाते हैं, कितना कंट्रोल हमारा उनके ऊपर है? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये एक प्रोसेस है किसी के मन के विचारों को पढ़ना, असल में अपने मन को समझने का एक प्रोसेस है। इससे पहले कि मैं किसी और के मन के विचारों को पढूं, मुझे अपने मन को थोड़ा साइलेंट करना होगा, अपने मन के अंदर जो भीड़ भाड़ मची हुई है उसको थोड़ा कम करना होगा ताकि वहां किसी और की बात सुनाई पड़ सके। अगर ये सिचुएशन हो कि मैं भी अंदर से बोल रहा हूं, सामने वाला भी बोल रहा है, तो किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, केवल कैओस क्रिएट होगा, केवल झगड़ा क्रिएट होगा। तो यही इसकी बेसिक प्रॉब्लम है, यही इसकी डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी क्या है, हमारे अंदर जो विचारों की भीड़ है वो इतनी इररेगुलर है, इतनी अनकंट्रोल्ड है, और हमारा मन एक बंदर की तरह एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर ऐसे उछलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए यहां पर एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़े तो मन इतना ऐसा घुमाता है आपको, कभी पास के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में, कभी इस दोस्त के बारे में, कभी उस दोस्त के बारे में, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये न्यूज़ आ रही है, कभी कोई किसी ऑडियो की कोई क्लिपिंग ध्यान में आ जाती है, कभी किसी की वॉइस ध्यान में आ जाती है, फलानी जगह आइसक्रीम खाई थी वो अच्छी थी, फलानी जगह ये न्यूज़ है, अमेरिका में ऐसा हो रहा है, यूएस ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा है, क्रिकेट में ऐसा हो रहा है,
प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रहा है, समथिंग, सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। मेरे अड़ोसी के साथ ही हो रहा है, पड़ोसी के साथ ही हो रहा है, माँ बाप के साथ ही हो रहा है, बेटे के साथ ही है, उसके स्कूल में ऐसा फलाना, इतनी सारी चीजें अंदर जंगल मचा हुआ है, इट्स सो डिफिकल्ट। यही समस्या है किसी और के मन को पढ़ने के लिए। तो पहले अपने मन की इस भीड़ भाड़ को खत्म करने का, कम करने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। दीपक चोपड़ा की एक स्टेटमेंट यहां पर लिखी है, द स्पेस बिटवीन योर थॉट्स इज द विंडो टू द कॉस्मिक माइंड। कॉस्मिक माइंड, इसका मतलब मैं थोड़ा अपनी भाषा में समझाता हूं। मतलब अगर मैं कहूं मेरे मन के अंदर कुछ लहरें उठ रही हैं, कुछ तरंगे उठ रही हैं, आपके मन के अंदर भी तरंगे उठ रही हैं, कुछ लहरें उठ रही हैं, अगर मेरी लहर शांत हो जाए तो मैं एक तरीके से मैं समुद्र के लेवल पर आ गया। समुद्र में एक जगह यहां लहरें उठ रही हैं, एक जगह यहां लहरें उठ रही हैं, अगर ये वाली लहरें शांत हो जाएं तो ये जो है ये पर्सन समुद्र के लेवल पर आ गया। सिमिलरली इसकी लहरें भी अगर शांत हो जाएं तो ये दोनों समुद्र के लेवल पर, हम दोनों एक हैं। तो जो मैं, जिसको मैं कॉस्मिक माइंड कह रहा हूं वो ये है, यानी हमारा कॉस्मिक, हमारी अवचेतन जो है वो एक है, एक लेवल पर हमारा सबकॉन्शियस जो है वो आपस में मिला हुआ है, जिसको कलेक्टिव सबकॉन्शियस बोलते हैं या उससे नीचे कॉस्मिक सबकॉन्शियस बोलते हैं। ये मैं कभी और किसी ऑडियो में, किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये 7 लेयर्स होती हैं चेतना की, इसके बारे में कभी आराम से बात करेंगे। फिलहाल जो बात हो रही है कि अगर किसी और के मन को समझना है वो ये, तो उससे पहले अपने मन के विचारों को शांत करना मैंडेटरी है। और अगर सामने वाले का मन भी आपकी तरह शांत हो जाए तो फिर कहना ही क्या, फिर तो आप सीधे सीधे आपस में मन से वार्तालाप करवाएंगे। आप ये कहेंगे और सामने वाला अंदर ही अंदर सुनेगा, सामने वाला कुछ कहेगा आप अंदर ही अंदर सुन पाएंगे, एक दूसरे से बिना बोले चले भी बातचीत हो पाएगी। ये भी संभव है, ये होता है। हम साधक कई बार आपस में कंपटीशन करते हैं ऐसा, और ऐसी बातचीत पॉसिबल होती है, क्योंकि जब आप उस मन के उस शांति वाले लेवल पर पहुंच जाते हो तो ऐसा होता है। तो इसके लिए बस एक ही एसेंशियल कंडीशन है, मन को टिकाव में लेकर आना। कैसे करें माइंड रीडिंग? पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले अपने आप को विचार शून्य करने की कोशिश करें। विचार शून्य नहीं तो विचारों के दृष्टा बन जाएं, विचारों में और आप में एक गैप क्रिएट हो जाए। यहां पर मेरा एक दूसरा वीडियो है, ओवर थिंकिंग को रोकने का एक बेहतरीन तरीका, एक एन एक्सलेंट वे टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो विचारों की भीड़ से अपने आप को अलग करने का तरीका क्या है, मन को विचार शून्य करने का तरीका, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ। तो श्वास को कुछ समय के लिए रोक लें। श्वास को रोकने से आप कुछ समय के लिए अपने आप को विचारों की भीड़ से अलग कर पाएंगे। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होने पर विचार आपसे अलग दिखाई पड़ेंगे और आप अपने आप को अलग देख पाओगे। इसकी कुछ प्राणायाम की टेक्निक्स भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि श्वास जो है वो हमारे मन की स्पीड के साथ डीपली कनेक्टेड है। जितनी श्वास तेज उतना हमारा मन ज्यादा भागता है, जितना मन, श्वास धीरे हो जाती है मन उतना स्लो चलता है। तो सबसे पहले कुछ समय के लिए मन के अंदर जो जो उठापटक मची हुई है, जो आपसी बातचीत हो रही है, जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको रोकने का एक तरीका है। पहले तो हम श्वास को थोड़ा फास्ट करें या एकदम स्लो करें। फॉर एग्जाम्पल भस्त्रिका, तेजी से श्वास छोड़ना। सबसे पहले ऑक्सीजन को, कैपेसिटी ऑक्सीजन को अपने अंदर भरने दें। भस्त्रिका में तेजी से श्वास को बाहर की ओर फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है। तो इस तरह से आप श्वास को बाहर फेंक रहे हैं। इसमें कपालभाति की तरह पेट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कपालभाति का फोकस स्टमक्स पर होता है। ये थोड़ा सा बस फर्क है, इसमें श्वास को छोड़ने पर आपका पूरा फोकस है, आप थ्रो कर रहे हैं, केवल छोड़ने पर फोकस है, लेने का काम शरीर अपने आप करता है। ये भस्त्रिका कुछ समय करें, आप देखेंगे मन से विचारों की भीड़ कम हो जाएगी। तेज श्वास लेना और छोड़ना ये भी कर सकते हैं। थोड़ी समय आप ऐसा करके देखें, अच्छी खासी मन के अंदर विचारों की भीड़ कम हो जाएगी। अनुलोम विलोम, एक सांस नाक से अंदर लेना और दूसरे नासिका से श्वास को छोड़ना,
इसकी भी थोड़ी देर प्रैक्टिस करने से 5-7 मिनट में आपका मन डिसेंट लेवल पर शांत हो जाएगा। कपाल भाती भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन ये पहले दो हाईली रिकमेंडेड हैं, भस्त्रिका और फास्टर ब्रीदिंग। और भ्रामरी भी इसमें आपको हेल्प करता है, अंदर ओम की गूंज करना, भ्रमर जैसी गूंज करना। इससे आपको अपने मन के विचारों की भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। एक बार आपका वो ऑडियो कंपोनेंट बंद हो, आपके अंदर की बकबक बंद हो, तब हम दूसरे के विचारों को कुछ समझ पाएंगे। ये डायग्राम मैंने आपको उसमें भी दिखाया है, मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि कैसे मन के अंदर चार डिपार्टमेंट हैं। उस वीडियो में आप और विस्तार से समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं सिर्फ इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मन में एक स्पीकिंग कंपोनेंट है, वर्बल कंपोनेंट है, जो बोलता है, जो बात करता है। एक विजुअल कंपोनेंट है जिसको हम चित्त कहते हैं, एक डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, और एक ईगो कंपोनेंट है जिसको हम अहंकार कहते हैं। ये चारों डिपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। किसी एक पार्ट को भी अगर आप थोड़ा सा वीक कर दें, स्लो कर दें, शांत कर दें, तो बाकी के पार्ट अपने आप रिलेटिवली शांत होने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अभी कह रहा हूं वर्बल पार्ट को थोड़ा शांत कर दें। ओके, ऐसा करते ही आप जो है विचारों की भीड़ से थोड़ा अलग होने शुरू हो जाएंगे। जैसा मैंने यहाँ पिछली पिक्चर में दिखाया था, यहाँ पर जैसा अभी हमने देखा, जो साक्षी या चेतना हमारी है, जो हम हैं, वो इस भीड़ से अलग हैं, विचारों के देखने वाले हैं। और क्योंकि हम अलग हैं, इसीलिए इसका हम पर इफेक्ट कम हो जाएगा। अभी क्या है, जैसे एग्जाम्पल से देखिए, आप एक ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, तो ट्रैफिक जैम में जब आप उस ट्रैफिक का पार्ट हैं, तब तक आपके लिए सारी चीजें मैटर करती है। आपके आगे कौन सी कार है, आपके पीछे कौन है, आगे कितने लोग लगे हुए हैं, कितनी दूर आपका नंबर है, कौन सी रेड लाइट या कौन सा जैम में आप कितनी दूर फंसे हुए हैं, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर आप किसी हॉट एयर बलून में बैठकर उस जगह से ऊपर उड़ जाएं, या किसी स्काई कार में किसी भी प्रकार से इस चीज से थोड़ा ऊपर उड़ जाएं, तो अब आपके लिए ये ट्रैफिक कितना मैटर करेगा। अब आप ऊपर से देख रहे हैं, ट्रैफिक अभी भी वैसे ही है, लेकिन अब आप उस भीड़ से अलग हो गए, आप उनके साक्षी या दृष्टा हो गए। अब आप पर उन चीजों का असर वैसा नहीं होगा जो पहले हो रहा था। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। पहले एक विचारों की भीड़ को थोड़ा कम करना, वो तरीका भस्त्रिका अनुलोम विलोम प्राणायाम करके। दूसरा तरीका अपने आप को अलग करने की कोशिश करना। ये दोनों एक साथ भी होते हैं, बेस्ट है दोनों एक साथ हो। एक तरफ हम वो प्रयास भी करें, दूसरी तरफ हम ये प्रयास भी करें कि खुद को इस भीड़ से अलग समझना, ये बेटर है। क्योंकि इसमें आपको, इसमें आप ये प्रैक्टिकल ज्यादा है, जो अपने आप को साक्षी रूप में दूर कर लेना, इस भीड़ से थोड़ा दूर हो जाना, ऊपर उठ जाना, ये बेटर है। ये इसका मतलब है कि ट्रैफिक अभी भी वैसा ही है, मन वैसे ही दौड़ेगा, आपको फर्क नहीं पड़ा, पता चलेगा, तब भी आप किसी की माइंड रीडिंग कर पाए, क्योंकि आप उस समय में उस भीड़ से अलग हो चुके हैं। ओके, तो ये दो वे हैं। अब हम थोड़ा सा जो मैंने बताया आपको, यदि आपका चित्त शांत है, तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति आपको हासिल हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास आईना है। आप आईने में अगर आपकी धूल नहीं जमी हुई, तो उस आईने में आपको अपना फेस दिखाई पड़ता है, वैसे ही आपके पास आईना है, सामने वाले का चेहरा आपके इस आईने में आपको साफ दिखेगा, क्योंकि तो आप इस आईने के इधर बैठे हैं। आपको थोड़ा सा भी अगर मन के लेवल का कंट्रोल है, तो आप सामने वाले के मन के विचारों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ये किस तरफ सोच रहा है, सोच रही है, इसका मन की ओरिएंटेशन क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑरा सेंस किया जाता है, ऑरा में भी ऐसे ही हम सामने वाले के चारों तरफ का जो पेरिफरी के आसपास जो एनर्जी लेवल है, उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि इसका एनर्जी लेवल कैसा है। बस ऐसी विचार का मतलब बिल्कुल एज इट इज, वर्ड टू वर्ड सामने वाले की बात आपको समझ आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एसेंस पता चल जाएगी कि इसके विचारों का फ्लो किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, होश पूर्वक ध्यान देना इस चीज के ऊपर। इसको अगर तरीके से बात करूं, तो इसमें एक पार्ट इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन करना भी। क्योंकि जिन जैसे हम थर्ड आई का कोर्स करते हैं, आप कोर्स किया है या नहीं किया, आप जैसे भी करके इस एफर्ट को अपने लेवल पर ट्राई कर सकते हैं,
करने से थोड़ी सी आसानी और हो जाएगी अगर आपने थर्ड आई पर थोड़ी मेहनत कर रखी है, क्योंकि थर्ड आई पर मेहनत करने से आपको एक ये जो साक्षी भाव मैंने बोला ना, सबसे पहला काम यही होता है कि इस भीड़ से आप अपने आप को अलग होके देखना शुरू कर देते हैं, बस अलग हो जाना। ये जो साक्षी वाली बात मैं बार बार कर रहा हूं, यही हमारा मूल स्वभाव है। एक बार आप इस भीड़ से अलग होने की आपको आदत पड़ गई, आप समझ पाए, तो फिर सामने वाले के माथे पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब आप अंदर से शांत हैं, आप एक विटनेस की तरह देख रहे हैं अपने मन को भी और सामने वाले के मन को भी। अब सामने वाले की आईब्रोज के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें और सिर्फ मन से एक अज्यूम करें, विजुअलाइज करें कि सामने वाले के मन के विचार मेरी ओर प्रवाहित हो रहे हैं, सामने वाले के मन के विचार मेरी ओर प्रवाहित हो रहे हैं। ये किसी को सामने बैठाकर भी कर सकते हैं, सामने वाले को इमेजिन करके भी कर सकते हैं, इमेजिन करके भी कर सकते हैं कि मैं उसके मन के विचारों को पढ़ना चाहता हूं। तो अगर आपका मन शांत है तो धीरे धीरे आपका उसका फ्लो जो है ना आपकी ओर आना शुरू हो जाएगा। बस एक ही की है, जितने आप शांत होंगे उतनी आसानी से और उतनी क्लैरिटी से आप पकड़ पाएंगे सामने वाले के विचारों को। शुरू शुरू में जब आपको सामने वाले के विचार आपके अंदर आने शुरू होते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। जब मैंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था तो लिटरली आई वॉज अफ्रेड, डर गया था, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब फॉरनर थॉट्स एक तरीके से आपके अंदर आ रहे हैं जो आप तक आज तक आपने अनुभव ही नहीं किए थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मन की एक नॉर्मल अवस्था होती है, मैं कभी किसी की बुराई पर मिनिमम ध्यान देता हूं, मिनिमम लीस्ट लास्ट चीज होती है मैं किसी के बारे में कुछ ज्यादा सोचता हूँ। मैं जिस पर्सन के ऊपर ट्राई कर रहा था जब मैंने पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और जब उसके साथ मेरा कंटेक्ट हुआ और वहां से फ्लो आना शुरू हुआ, तो एकदम से जब सामने वाले के विचारों का प्रवाह मेरी तरफ आ रहा है तो कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए मैं उस फ्लो में बह गया और मुझे ऐसा फील होने लगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। क्योंकि उसके विचार जो है ना किसी पर्सन के प्रति पॉजिटिव नहीं थे, उसके मन में जेलसी का भाव था और मेरे मन में शायद ही जेलसी का भाव कभी आया हो किसी के प्रति, तो इसलिए मुझे ने बड़ा फॉरनर थॉट लगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, व्हाई दिस काइंड ऑफ थॉट इज कमिंग। पर फिर पता लगा ये तुम्हारे नहीं है, ये विचार सामने वाले के हैं जी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मार्ग में है, ध्यान रखिएगा, जब आपका एंटीना इतना सेंसिटिव हो जाएगा कि आप सामने वालों के विचारों को कैप्चर कर पाएंगे तो आप उनसे प्रभावित तो हो सकते हैं, इट्स ए डेंजर। आप अपने ही विचारों से प्रभावित हुए रहते हैं, आपका अपना ही मन कभी कभी आपको कुछ नेगेटिव थिंकिंग देता है। जैसे मैंने जेलसी की बात करी, सपोज आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, जेलसी का भाव आता है, क्या आप अपने आप से हिप्नोटाइज नहीं हो जाते? सामने वाले के पास कुछ अच्छा है जो आपके पास नहीं है, क्या आप अपने मन के साथ एग्री नहीं कर जाते? आप कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ऐसे असल में ना परमात्मा बहुत अन्याय कर रहा है, उसके उसको इतना नहीं देना चाहिए भाई, कुछ तो हमारा भी ख्याल रखे। आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, अभी अपने ही विचारों से आप प्रभावित हो जाते हैं, तो सामने वाले के विचारों को अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ये डेंजर इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल, बी केयरफुल। उससे पहले जब आपने डिसेंट अपने विचारों से खुद को अलग करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली हो तभी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, वरना अगर एक बार आपका वाईफाई एनेबल हो गया किसी के डेटा को पढ़ने के लिए, किसी के राउटर से कनेक्ट होने के लिए, और उसकी डेटा आपके अंदर फ्लो होनी शुरू हो गई तो फिर खतरनाक काम है फिर, राइट? तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने अपना एग्जाम्पल दिया उस केस में, तो मुझे फाइनली अपने आप को ब्लॉक करना पड़ा कि मैंने किस बंदे के साथ पंगा ले लिया है। हालांकि बहुत प्योरिटी थी, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी हर बंदे की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन प्रॉब्लम पर मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल पाया है वो सामने वाले की प्रॉब्लम थी, और वो जब मेरी तरफ फ्लो करनी शुरू हुई तो मुझे कहा अच्छी खासी मुसीबत मेरे गले पड़ रही है, तो वाई शुड आई डू दैट, मुझे अपने आप को अलग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से उस चीज को अलग किया, वो हो गया, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ना, जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो तसल्ली से तभी करें, और जब लगने लगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस एक्सपेरिमेंट को रोक दें, ओके? जब तक आपके अंदर वो प्योरिटी लेवल ना आ जाए, एक तो ये, दूसरी बात, जब तक आप अपने आप को विचारों से दूर रखने की कला ना जान लें तब तक आप इस एक्सपेरिमेंट को ना करें, ओके? मैं उम्मीद करता हूं कि यह, इसके साथ साथ आप ये अफर्मेशन भी आप यूज कर सकते हैं, यहां पर रात सोने से पहले ये अफर्मेशन अपने मन में दोहरा सकते हैं, मेरा मन हमेशा शांत रहता है,
मैं किसी के भी विचारों को ठीक से पढ़ पाता हूँ, या किसी के विचारों के बजाय आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति के विचारों का भी मन में डाल सकते हैं शुरू शुरू के लिए। किसी और के विचारों को पढ़ना बहुत आसान है, इसका उपयोग मैं अपने और लोगों के कल्याण के लिए करता हूँ। क्योंकि जब आप ऐसा अफर्मेशन अपने अवचेतन को बता रहे हो, तो आपके अवचेतन को आपके इरादे भी पता चलना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप सिर्फ फन फैक्टर के लिए ऐसा कर रहे हो, सिर्फ मजे लेने के लिए कर रहे हो, किसी प्रॉपर इंटेंशन के साथ कर रहे हो, या किसी नेगेटिव फीलिंग के साथ कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, एक बार ये पावर एक्टिवेट हो गई, उसका मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए अपने इरादे पहले क्लियर कर लें, और अगर आपके कोई नेगेटिव इरादे हों तो सॉरी, यहीं ब्लॉक कर दीजिए। तो यहां मामला थोड़ा सा सीरियस है, इसको थोड़ा समझ के ही करेंगे करिएगा। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे दोनों चैनल्स की डिटेल यहां पर लिखी है, हिंदी और इंग्लिश में हमारा चैनल अवेलेबल है। mindguruindia.com हमारी वेबसाइट है, missiongeniusmind.com भी हमारी वेबसाइट है। इनको आपको जरूर विजिट करें, वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल और ऑडियो वीडियो अवेलेबल हैं, जिसका आप अपने और लोगों के कल्याण के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।